नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनती हुई नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार सूबे में 3 बार सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में अपनी जीत की हैट्रिक तो लगा दी है, लेकिन देखा जाए तो अब मंत्री पद के बंटवारे को लेकर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सियासी खींचतान जारी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हो गया है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। गुरुवार को नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। राजेश नागर और गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, लेकिन अभी तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद विभागों का बंटवारा किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर गए थे। सबसे बड़ा सवाल सीनियर विधायक अनिल विज को लेकर उठ रहा है। मंत्री अनिल विज को कौन सा विभाग मिलेगा, अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में विज के पास भारी भरकम विभाग थे। अनिल विज को गृह और स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि इस बार भी नायब सिंह सैनी सरकार में अनिल विज को भारी भरकम विभाग ही मिलेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से गृह विभाग मिल सकता है। फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंत्रियों को केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का इंतजार है। नायब सिंह सैनी सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया जाएगा? क्या मनोहर लाल खट्टर की तरह सैनी वित्त मंत्री विभाग खुद के पास ही रखेंगे या किसी और को जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे? नायब सिंह सैनी कैबिनेट में 2 महिलाओं को भी जगह मिली है। श्रुति चौधरी और आरती राव को मंत्री बनाया गया है। माना जा रहा है कि विभागों का बंटवारा करते समय मंत्रियों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल आलाकमान के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी की लगातार 3री बार सरकार बनी है। शुक्रवार को कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में मंत्री पद का बंटवारा आखिर नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान किस तरह से करते हुए नजर आते हैं। अनिल विज को कौन सा वो मुख्य विभाग मिलने वाला है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी खींचतान जारी है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श पर लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News।